जय गुरुदेव। भक्तजनों, आज हम बात करेंगे संदीप राज की। जी हाँ, संदीप राज एक भारतीय लड़का जो बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त था। सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार बाबा जी के भक्त थे। संदीप बहुत ही होनहार छात्र था, बहुत मेहनत करता था और इसी का फल ये मिला कि उसका एडमिशन रूस में MBBS की पढ़ाई के लिए हो गया। वो वहाँ चला गया और कहते हैं वहाँ जब भी वो थोड़ा सा परेशान होता, उसे घर की याद आती तो वो बाबा जी को याद करता। एक बार वो निकल पड़ा और जाके बाबा जी का मंदिर या आश्रम ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई आश्रम वहाँ नहीं मिला। परेशान होकर वो घर आ गया। उसने अपने पिताजी से बात की तो पिताजी ने उसको एक चेन में बाबा जी का लॉकेट लगाकर डाक से भेज दिया। जब संदीप ने वो देखा, उसे मिलते ही उसने प्रणाम किया और अपने गले में पहन लिया। एक दिन संदीप कॉलेज से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने कुछ सामान भी खरीद लिया। सामान खरीद के जैसे ही उसने पैकेट अपने पॉकेट में पैसे वापस डाले तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। चलता रहा और उसे बार बार ऐसा लगे कि 4-5 लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा तो उसे एहसास हो गया कि 4 लुटेरे उससे उसका सामान और पैसा लूटना चाहते हैं। संदीप बहुत डर गया, घबरा गया, क्योंकि वो विदेश में था। वो दौड़कर भागा और जाकर लिफ्ट में घुस गया, लेकिन उन चारों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो भी उसके साथ साथ लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन नहीं घुस पाए। जैसे ही वो लिफ्ट से दूसरी मंजिल पे बाहर निकला तो 4 उसका खड़ा होकर वेट कर रहे थे। उन्होंने उसको लूटा, उसके पैसे, उसका सामान सब ले लिया और गले से चेन को भी खींच लिया। क्या करता संदीप, उसे लगा अगर वो ये सब नहीं देगा तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन कहते हैं जैसे ही उन चोरों ने उस लॉकेट को देखा, कुछ नहीं समझ में आया कि क्या हुआ। वो चोर सारा सामान और वो लॉकेट वहीं फेंक कर बहुत तेजी से वापस भाग गए। संदीप हक्का बक्का रह गया और खुद बहुत डरा हुआ था, इसलिए जल्दी से अपना सामान उठाकर अपने घर में घुस के अपने घर को उसने लॉक कर लिया। लेकिन ये भ्रम आज तक उसके दिमाग में बना हुआ है कि आखिर उन चोरों ने ऐसा क्या देखा उस लॉकेट में जो वो इस तरीके से सारा सामान छोड़कर भाग गए। आपको क्या लगता है भक्तजनों, क्या किया होगा बाबा ने? कुछ तो चमत्कार किया होगा ना। अपने बेटे संदीप की रक्षा की उन्होंने विदेश में, अपना विश्वास कैसे खोने देते। कोई कहता है पक्का बाबा जी ने अपना रूप दिखा दिया होगा, कोई कहता है बाबा जी ने उन चारों को सम्मोहित कर लिया होगा। खैर, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और संदीप की आस्था बाबा जी पे हमेशा के लिए चिन्हित हो गई। ऐसे हैं हमारे बाबा जी। जय गुरुदेव।